सल्फाइड, ठीक है। अगर हाइड्रोजन लग के आ जाए इसे हम बोलते हैं बाई सल्फाइड, और अगर साथ सोडियम आ जाए तो इसे हम नाम देंगे सोडियम बाई सल्फाइड का नाम देंगे। जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन होता है किसके साथ, सोडियम बाई सल्फाइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ, तो उसके रिजल्ट में सोडियम बाई सल्फाइड अडक्ट बनती है, सोडियम बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनेगी जिसका जो कलर होगा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास क्या होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड से हम मुराद लेंगे एल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे एल्डिहाइड, और कीटोन से मुराद हम यहां पर लेंगे मिथाइल कीटोन, क्या नाम क्या लेंगे मिथाइल कीटोन नाम लेंगे। जितने भी अच्छा याद रखिएगा यहां पर कलर कौन सा बन रहा है, व्हाइट कलर बन रहा है। अगर व्हाइट कलर बन रहा है देखिए ये हम यूज करते हैं एक टेस्ट के तौर पर यूज करेंगे, किसके तौर पर यूज करेंगे टेस्ट के तौर पर यूज करेंगे, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हम अभी देख लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट ऑल एल्डिहाइड, जितने ऑलमोस्ट ऑल एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट सोडियम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या करेंगे रिएक्शन देंगे। अब दूसरा वर्ड मैंने साथ लिखा है मिथाइल कीटोन, अब इस पर गौर कीजिएगा। देखिए ये हमारे पास क्या है कीटोन है और कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ ये मिथाइल लग गया और इधर क्या लग गया मैंने कोई आर ग्रुप लगा दिया। देखिए ये एक साइड पे मिथाइल होना जरूरी है इस वजह से हम मिथाइल कीटोन बोलेंगे, ये याद रखना है एक साइड पे क्या होना जरूरी है मिथाइल होना जरूरी है इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे मिथाइल कीटोन का नाम देंगे। आर से मुराद क्या है, देखिए आर यहां पर हम कार्बन नंबर वन ले सकते हैं, कार्बन टू और कार्बन थ्री तक लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा करेंगे तो याद रखिएगा ये जो करैक्टर होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ये डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बढ़ेगा, यहां पर पॉजिटिव करेक्टर कम हो जाएगा एक वजह, और कार्बन की तादाद ज्यादा होने से कार्बन नंबरिंग में ज्यादा होने से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहां पर कार्बन नंबर वन टू और कार्बन नंबर थ्री ले सकते हैं इस आर डैश नंबर, और ये आर हम प्राइमरी लेंगे ये ख्याल रखना आप लोगों ने। तो अब हम देख लेते हैं ये किस तरह एडिशन देंगे, आप लोगों ने क्या कर रहे हैं देखे इसमें हाइड्रोजन को आप लोगों ने किसके साथ ऐड कर लेना ऑक्सीजन के साथ ऐड कर लेना, बाकी जो चीज बच जाएगी बाकी हमारे पास क्या बचेगा बाकी हमारे पास सोडियम और सल्फाइड, सोडियम और सल्फाइड ये आप लोगों ने किसके साथ ऐड कर देना है इसको आप लोगों ने कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऐड कर देना और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा। दूसरी बात देखनी है कि जो डबल बॉन्ड होता है जब भी एडिशन रिएक्शन होगा वो सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं हमारी जो प्रोडक्ट बन गई है एच एच और बाकी देखो कार्बोनाइल कार्बन है और साथ ऑक्सीजन है इनके दरमियान मैंने क्या बना दिया सिंगल बॉन्ड बना दिया और हाइड्रोजन लगा दिया। बाकी क्या चीज इसके साथ आकर लगेगी देखिए याद रखना सल्फर आके इसके साथ लगेगा SO3A ये कहलाएगा सोडियम बाई सल्फाइड एडिशन हमारे प्रोडक्ट बन गई और इसका कलर कौन सा होगा व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनेंगे। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है दो बॉन्ड बनाएगा एक इस कार्बन के साथ बना रहा है एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। कार्बन यहां पर कितने बॉन्ड बना रही थी देखिए इधर कार्बन चार बना रही है इधर कितने बना रही है 1 2 3 4 चार बॉन्ड बना रही है। अब नेक्स्ट हम पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लिया अब हम किसके साथ रहेंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ रहेंगे बहुत सिंपल सा आप लोगों ने हाइड्रोजन जाके किसके साथ ऐड कर देनी है ऑक्सीजन के साथ और बाकी जो चीज बचेगी सल्फाइड और सोडियम ये आप लोगों ने कार्बन और कार्बन के साथ लगा देना सेम आप लोगों ने एसीटोन में भी ऐसे ही करना है कार्बन के चार बॉन्ड मुकम्मल कर रहे हैं और ऑक्सीजन के कितने दो मुकम्मल ये देखो एस सल्फर आते कार्बन के साथ लगेगा SO3 है इसी तरह सेम हम किसके साथ कर लेंगे हम एसीटोन के साथ कर लेंगे ठीक है। हाइड्रोजन हम किसके साथ आकर लगा लेंगे ऑक्सीजन के साथ लगा लेंगे देखो मैंने लगा दी कार्बन के देखो दोनों साइड पे क्या था मिथाइल था
एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी, और इधर क्या लगा लेंगे SO3 लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे रिएक्शन कुछ इस तरह करके बनेंगे। सबके कलर कौन से होंगे, व्हाइट कलर बनेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीजनरेशन ऑफ पेरेंट कार्बन अल कंपाउंड। देखे क्या हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कहते हैं अगर हम इसका रिएक्शन करें किसके साथ, डिल्यूट HCl के साथ, और साथ क्या करें हीट करें, हीटिंग के रिजल्ट में हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप अगर लिया है, जो कार्बन अल ग्रुप लिया है ना, चाहे एल्डिहाइड लिया है चाहे कीटोन लिया, वो वापस रीजनरेट हो सकता है। यहां पर मैंने लिया है एसेट एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ली, तो जब मैं उसे HCl के साथ रिएक्शन करूंगा और साथ हीट करूंगा तो एसेट एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। देखते जाइए ये क्लोरीन या के सोडियम के साथ मिलकर क्या बना देगी, NaCl बनेगा। ठीक है, और यहां पर देखो ये हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, देखिए आपस में क्या बना लेंगे, देखिए हमारे पास क्या क्या बनता है, एक चीज NaCl बनेगी, बाकी एक चीज क्या बनेगी, H और O, ये मिलकर क्या बना देंगे, वॉटर बना देंगे। ठीक हो गया, वॉटर बना देगा, बाकी यहां पर एक और चीज भी बच रही है, वो क्या चीज बच रही है, देखिए ये वाली SO2 ग्रुप बच रहा है। ठीक है, तो यहां पर SO2 ग्रुप भी बन जाएगा, लेकिन मेन चीज क्या देखनी, देखिए गौर करना है, जब ये सारा उतर जाएगा तो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, देखो CH3C डबल बॉन्ड हो, एसेट एल्डिहाइड हमें क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक हो, इस तरीके से बाकी ये जो कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड हमें वैसा नहीं मिलेगा, वो खुद को क्या कर लेगा, डीकंपोज कर लेगा हीटिंग की वजह से। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन तो पहली बात सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनल कंपाउंड सच एज अल्कोहल। ये याद रखिएगा, ये MCQ के लिए बहुत है, इस दफा एंडीकैट में भी आया हुआ है। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में यूज होता है किसको, कार्बोनल कंपाउंड को नॉन कार्बोनल कंपाउंड से करने के लिए। देखिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, और इसमें हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और इसमें हम ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। अब होगा क्या, सोडियम बाइसल्फाइड का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये किस कलर के, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट चेंज में, प्रेसिपिटेट में चेंज होता है, जबकि अल्कोहल इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाती। इसी तरह हम वो व्हाइट प्रेसिपिटेट अलग कर लेते हैं और मदीर HCl से पास आउट करके हम एसेट एल्डिहाइड को क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। इसी तरह हम इनको सेपरेट भी कर लेते हैं और बाद में प्योरीफाई भी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और बात लिखी है मैंने यहां पर, आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है किसके, ऑफ कार्बोनल कंपाउंड की। इसमें आप ले सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या ले सकते हैं आप लोग, 2-pentanol ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 2-pentanol लिख दी, और एक मैं और ले लेता हूं 3-pentanol। ठीक है, ये क्या है, 2-pentanol और ये 3-pentanol। अब देखिए ये कीटोन फैमिली है, और मैंने बोला कीटोन में वही रिएक्शन देगा जिसके साथ क्या ग्रुप होना जरूरी है, मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। तो इस वजह से 2-pentanol है ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, जबकि ये इसके साथ कोई टेस्ट नहीं करेगा देगा। इस तरह हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं 2-pentanol 3-pentanol के दरमियान, तो हम इस तरह का रिएक्शन देख सकते हैं। मैकेनिज्म की नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैकेनिज्म देखिए हम लोगों ने सबसे पहले काम क्या क्या करना है, सोडियम बाइसल्फाइड है, इसका हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया था, वो अपने आप को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास SO2O नेगेटिव एन पॉजिटिव बन जाएगा, साथ H पॉजिटिव बन जाएगा, बुक ने सोडियम को भी अलग किया, मैंने उसको
SO3 सल्फाइड के साथ मिला के अलग तरीका है, मतलब ये हमारे पास सोडियम सल्फाइड बन गया, ये हमारे पास HO पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, HO पॉजिटिव बनेगा। और याद रखिएगा ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, सल्फर के ऊपर है। देखिए इसकी जो हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, HOS डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव Na पॉजिटिव, कुछ इस तरह करके बन जाएगा। तो यहां पर जब इसकी आयोनाइजेशन होगी तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पर शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ओ डबल बॉन्ड एस। देखो ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया, ये ऊपर भी ऑक्सीजन सल्फर के दरमियान डबल बॉन्ड है, साथ क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ठीक है। अब काउंट करते हैं सल्फर के पास, देखिए एक लोन पेयर लाजमी होगा, इधर भी एक लोन पेयर था क्योंकि यहां पर सल्फर चार बॉन्ड बना रही थी, चार इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रहे थे, हालांकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हो गए, देखिए यहां पर दो ये इलेक्ट्रॉन और हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 3, 4, 5, 6, 7 सल्फर के होने कितने चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अब है कितने, 7 है, इस वजह से सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगी, लेकिन क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, सल्फर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर कौन काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा। देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता है, सल्फर उसकी निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होंगे। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के। तो सल्फर क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहां पर एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वे ये वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा, लिहाजा सल्फर जाके क्या करेगा, कार्बन आयन ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास अब न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना है और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ये है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेंगे, बकिया ऐसा हमारे पास क्या हो गया, देखो SO2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको मैं लिख दूंगा SO3Na के फॉर्म में, इस तरह लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक और चीज भी थी, H पॉजिटिव रीजन हम लोगों ने क्या किया था, आयनाइज हुआ था, अलग हुआ था। अब ये H पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को अपने साथ क्या कर लेगी, अटैच कर लेगी, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, देखिए OH आ जाएगा, देखो ऑक्सीजन किसके साथ लग गई, हाइड्रोजन के साथ, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लग गया और बाकी क्या चीज बच गई, SO3N। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।